और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती एयरपोर्ट से है, जहां पर जिला अधिकारी पहुंचे और एयरपोर्ट का निरीक्षण कर लिया जायजा। जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जनपद के कटरा श्रावस्ती में स्थापित एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर प्रस्तावित अस्थायी आन व्हील EAFS के लिए संभावित भूमि स्थलों का मुआयना कर जानकारी प्राप्त की तथा चल रहे निर्माण कार्यों को समय अंतर्गत पूरा कराए जाने का निर्देश दिया। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर श्रावस्ती जनपद से है, जहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंचकर जिला अधिकारी ने यहां का निरीक्षण किया और बताया कि गाइडलाइन के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट पर रनवे, संती पोस्ट, गार्ड रूम, पंप रूम, मेट ऑफिस, लैगेज रूम आदि का निरीक्षण किया। आपको बता दें, इस स्थापित एयरपोर्ट का 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आजमगढ़ से वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारम्भ किया गया था, जिसके तहत एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए 19 सीटर विमान से हवाई सेवा का प्रारंभ भी कर दिया गया था। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी कोना ओम प्रकाश, तहसीलदार विपुल सिंह सहित एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी कर्मचारी मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में जिलाधिकारी ने श्रावस्ती एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। समय से सभी तैयारियों को पूरा करने का भी तथा चल रहे निर्माण कार्यों को भी पूरा करने के निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। Thank you.